हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। अब इसके बाद जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मीन्स जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, स्पीड, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की स्पीड में जितना भी रेट में चेंज होता है टाइम के साथ साथ उसमें एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे द चेंज ऑफ इट्स रेट ऑफ वेलोसिटी अलोंग विथ टाइम, द चेंज ऑफ इट्स रेट ऑफ वेलोसिटी अलोंग विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को एलेबरेट करें तो जैसे कि कोई भी बॉडी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, लेकिन जब उसकी स्पीड अचानक से बढ़ती है किसी भी पोजीशन पे आने के बाद, जब रेस्ट पोजीशन से, स्टेशनरी पोजीशन से जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन, कि उसकी स्पीड एक्सीलरेट हो रही है। तो अब एक्सीलरेशन एग्जांपल हम लें तो एक्सीलरेशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉल। मींस जब कोई भी बॉडी और बॉल, क्रिकेट बॉल, किसी भी बॉल ले सकते हैं, टेनिस बॉल, जब किसी भी हाइट से फॉल की जाती है, मीन्स गिराई जाती है, तो उसका जो मोशन होता है, जो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि वो पहले ग्राउंड से टच करे, ग्राउंड से टच करने के बाद उसकी जो मूवमेंट करने की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इंक्रीज होती है एक्सीलरेशन और डिक्रीज होती है रिटार्डेशन, जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा। अब एक्सीलरेशन तो हमने पढ़ लिया, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के भी टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस तो हो गया कि उसकी स्पीड ही है बस, लेकिन वेलोसिटी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जितने भी मैग्नीट्यूड से जा रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, उसी को हम वेलोसिटी कहेंगे। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है किसी बॉडी में, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है रेस्ट पोजीशन से मूवमेंट में आई, मोशन में आई है, मोशन में आने पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। अब वो 25 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से चल रही है रेस्ट पोजीशन के बाद मोशन में आने पर, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन जब वो बीच में 25 किलोमीटर पर आवर से चले थे, लेकिन फिर से उसने स्पीड डिक्रीज कर दी 15 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है, ये हो गया उसकी एक्सीलरेशन का रिटार्डेशन। उसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी चल रही थी, वो बढ़ने के बाद, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो गई। मीन्स किसी भी एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी, मीन्स फाइनल पे पहुंचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन वो डिक्रीज हो गई, तो इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं और नेगेटिव एक्सीलरेशन भी। तो अब इसके बाद आती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म
acceleration. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी इक्वल वेलोसिटी कवर करती है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मीन्स जितना भी डिस्टेंस कवर करी डिस्प्लेसमेंट वो तो इक्वल होगा, लेकिन जो टाइम जितना भी डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, लेकिन जो टाइम है टाइम तो सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। पहले उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर 15 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर 10, फिर 20, 15, ये होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था आपने पढ़ लिया, लेकिन एक्सीलरेशन की ऐसा ही यूनिट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है वो होती है ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके इसे समझाऊंगा, तब तक इसको नोट कीजिए। प्रॉब्लम नोट कर लिया, इसके बाद मैं बताने के लिए जा रहा था ऐसा ही यूनिट तो मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी, आपको पता है फाइनल वेलोसिटी जिस पोजीशन पे, जिस लास्ट उसकी जो पोजीशन होती है स्टॉप होने की किसी बॉडी की, स्टार्टिंग जब उसने मूवमेंट करना स्टार्ट किया है उसे तो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जहाँ पर वो जाके रुकी है उसे कहते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। ऐसी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब जो एक्सीलरेशन है वो, उसका सिंबल क्या है एक्सीलरेशन का, ए एक्सीलरेशन, और फाइनल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी को u से डोनेट करते हैं वेलोसिटी, एंड द इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u एंड टाइम, टाइम को तो टी से करते हैं टाइम। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं। अब जैसे ये कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजिशन, अब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन से मूवमेंट मोशन में आने के लिए स्टार्ट होती है, उसकी जो रेस्ट पोजीशन की जो वेलोसिटी होती है वो होती है जीरो जीरो। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मोशन में आने के लिए एट 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर से चलती है रेस्ट पोजीशन से, जब वो मोशन में आती है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एक्सीलरेट होती है। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, जैसे ही फॉर्मूला हम जानते हैं ए इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। एक्सीलरेशन फाइंड करना इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ मींस रेस्ट को उसकी पोजिशन थी इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जो चली है उसकी 25 किलोमीटर पर आवर, तो जीरो माइनस 25 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड टाइम की जगह पर एक्सीलरेशन क्या हो गया,
इक्वल्स टू 0 - 25 - 25/5 एक्सीलरेशन -5 m/s² ये थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब इसके बाद आते हैं हम रिटार्डेशन मीन्स जो मैंने आपको बताया था जो माइनस में नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है जो डिक्रीज होता है नीचे की तरफ उसे कहते हैं रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड डीसेलरेशन भी कहते हैं उसे। तो आगे चलते हैं नोट कर लीजिए। अब एक्सीलरेशन तो हो गया, अब आते हैं हम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन द एक्सीलरेशन इज डन इन नेगेटिव वे। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव मींस डिक्रीज की तरफ जाता है तो उसे कहते हैं हम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम डीसेलरेशन मींस डीसेलरेशन डिक्रीज एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन इज आल्सो। अब ये तो हो गया, हमने ये पढ़ लिया रिटार्डेशन। व्हेन द बॉडी इज डन व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डन इन द नेगेटिव वे इन द डिक्रीजमेंट डीसेलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब इसकी हम व्हाट मींस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी बॉडी ने 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही थी, कोई बॉडी ट्रैवल कर रही थी। अब इसकी जो स्पीड हो गई 25 से 10 किलोमीटर पर आवर और ये भी नहीं, कोई बॉडी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट किया जब पहले वो रेस्ट में थी। अब रेस्ट में थी ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो रेस्ट से जब वो फाइनल मींस मोशन में आई उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v means final velocity minus initial velocity upon time taken. t equals to final velocity is 25 minus initial velocity is 0 upon time taken is 10 seconds. अब 25 - 0 एक्सीलरेशन हो गया हमारा 25/10 की स्पीड 5 to 2.5 किलोमीटर/hr² 25 किलोमीटर/hr². अब इसी को हम अपोजिट कर दीजिए तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में हो गया। अब नेगेटिव की बात करें डीसेलरेशन तो उसने रेस्ट पोजिशन में रेस्ट पोजिशन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 25 किलोमीटर/hr जो फाइनल में जब उसने ब्रेक लगाई उसकी बॉडी ने 25 किलोमीटर/hr की स्पीड से चल रही थी। जब उसने ब्रेक लगाई अपने पैडल ब्रेक लगाई तो उसकी जो पोजिशन है वो रेस्ट में आएगी। रेस्ट का मतलब उसकी 0 हो गई फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से 25 माइनस करेंगे टाइम टेकन 10 तो माइनस 25/10 then equals to 2.5 meter per second square minus
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमने लिखा है एक्सीलरेशन। अगर हम यहीं पर लिखते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो माइनस हट जाता, माइनस की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, ये हो गया। अब नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसके बाद मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ आपको। इसके बाद ये तो मेरा लेक्चर नंबर 3 है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इसमें एक बात और है, एक्सीलरेशन डिसेलरेशन, एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ्स मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैसे मेंशन होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स से हम स्पीड निकाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन होते हैं हमारी स्पीड टाइम ग्राफ से मेंशन, स्पीड टाइम ग्राफ्स, स्पीड टाइम ग्राफ्स, स्पीड टाइम ग्राफ्स को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी बोलते हैं। अब जो इसका ग्राफ है स्पीड जो वाई एक्सिस पे आएगा और टाइम जो एक्स एक्सिस पे आएगा, अगर एक्सीलरेशन है तो जीरो पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जाएगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, बीच में स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स दी एक्सीलरेशन में है बॉडी। अब एक्सीलरेशन में है, अब डिसेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन में है, तो इसका टाइम ग्राफ हो जाएगा एक्स एक्सिस पे टाइम ही आएगा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी भी ले सकते हैं हम और टाइम भी स्पीड भी ले सकते हैं। डिसेलरेशन में इसी का अपोजिट हो जाएगा, मीन्स टाइम वेलोसिटी दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगी, स्टेट ही लाइन रही लेकिन जीरो से नहीं। जैसे कि किसी भी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आर से जाके वो फाइनल हो गई जीरो, ये हो गई रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अब डिस्टेंस और स्पीड टाइम ग्राफ से बता दिया, इसमें कुछ नहीं बचा, तो नोट कर लीजिए आप। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आप बॉडी ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है एंड कम्स टू 10 किलोमीटर पर आर इन 10 आवर, फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स नीचे आ रही है एक्सीलरेशन, नेगेटिव वे में हो रहा है। तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू ऑन टी, इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आर से स्पीड से चल रही थी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इनिशियल, और 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर ये आ गई, ये होगी फाइनल, फाइनल 10 माइनस 50 अपॉन टाइम लेगा 10 आवर्स, 10 देन ए गोज़ टू 10 माइनस 50 माइनस 40 अपॉन 10 देन ए गोज़ टू माइनस 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ये क्या हमसे पूछा है कि रिटार्डेशन कितना है, एक्सीलरेशन तो माइनस में है, एक्सीलरेशन में तो माइनस का साइन आएगा जरूरी है, लेकिन रिटार्डेशन पूछा है तो रिटार्डेशन हम लिख देंगे, रिटार्डेशन क्वेश्चन 4 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, डिटेल्स का रिटार्डेशन। तो अब हो गया, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, और इसके साथ साथ जो मोशन की इक्वेशन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी ड्राइव करना, उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दूंगा। इसके साथ थैंक यू।